अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबके। सो ईद का थर्ड डे यहाँ से शुरू होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग दिन था। बस बहुत इस दफ़ा ईद जो है ना बड़ी अजीब सी गुजरी है क्योंकि बस पानी बिल्कुल एंड हो गया था और बिल्कुल पानी नहीं था और किस तरह से हमने मैनेज करा गैलन वगैरह ला के और फिर हमें जाना भी था। सो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग दिन था समझ लें आप। तो बस ये यहीं से स्टार्ट किया मैंने, कुछ भी मैंने और नहीं दिखाया। तो फिर बस बच्चे तैयार हो गए थे, सबसे पहले अरबिश तैयार हुई थी क्योंकि इनको नानी के साथ जाना था। सो हुआ ये कि बस ये लोग आगे पीछे सब फटाफट तैयार हो ही गए थे तो नानी लेने के लिए आ गई थी। सो नानी के साथ गए थे, मैं हमेशा की तरह आलियान को ही लेके गई थी। सो इधर जो है इनके पापा जब तक इनकी फिनिशिंग ना करें ना, फिनिश लुक ना दें तो फिर बनता नहीं है काम। तो वो लेस लगा रहे थे, स्टेप लगा रहे थे, उसका जो है स्टेप नहीं लग रहा था उनसे, तो पापा उनकी हेल्प कर रहे थे। और इधर ये रेडी हो गई हैं और मैंने कहा चले दिखाती हूँ, और ये वीडियो बनाने आई थी तो नानी आ गई जल्दी से पर्स लेके और एक्शन देती देती जो है वो भाग गई हैं। और बस एक अफरा तफरी सी मच गई थी नानी की आवाज़ आते ही, तो ये जा रही हैं। ओके चलें फिर निकलते हैं और फटाफट से पहुँच जाते हैं, लेकिन सिर्फ वीडियो में फटाफट नहीं आता रास्ता। खैर हम पहुँच गए और दरवाज़ा खुला हुआ था क्योंकि मेरा कज़न वगैरह से बाहर बैठे हुए थे। तो चलो फिर अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ें डालो अपनी आवाज़ें, शक्लें नहीं। ये दिखाना था, दिखाई यूं कर रही थी। कोई बच्चा इधर कौन इधर आए नहीं हेलो हेलो ठीक है चोरी बोल अब कला दो अब कला दो बच्चा पार्टी इधर देखो वो तो दिखाओ अपना पाउच। ओहो अब यहाँ एक और हीरोइन आंखें तो खोलो ऊपर गरम हूँ सबसे मिले आप संजय दत्त बनावा आ जाओ बाबा। यहाँ मैंने ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं किया क्योंकि जो भी गैदरिंग हुई थी वो ज़ाहिर है वो सुनने में ही मज़ा आता है। तो बस इधर खाना लग रहा था जेंट्स का, हम लोग गए हैं जब थोड़ी देर के बाद ही खाना लग गया था। सो अभी यहाँ पर सब जेंट्स बैठे हुए हैं, पहले जेंट्स खा लेते हैं फिर फारिग हो जा तक खाना खाया गया। तो इधर देखें ये हमारे जो वो होते हैं ना पार्टी की जान जो होते हैं वो ये इनकी हरकतें चल रही हैं। बस चल रहे हैं कि मुझे चाहिए पर्स। तो बस सब बच्चे अलग अलग सब अपना एंजॉय कर रहे थे और इधर बस तैयारी हो रही थी, बस एक अफरा तफरी का माहौल सा था। और बस सब डाइनिंग पे से लेके और अपनी अपनी जगह पे बैठ गए थे, जेंट्स सब खाना खा रहे थे और सब लेडीज़ ने खाना लगा के ड्राइंग रूम में जो है एक फ़ोटो सेशन हुआ वो भी आपसे शेयर करते हैं थोड़ा बहुत। और खाना बहुत ही मज़ेदार सा था और आलू बाबा आप यहाँ पे गिर जाएगा, आप यहाँ रख लो ठीक है। खुद खुद खा लोगे? मिर्चें लग रही है? नहीं लग रही। रायता से खाना, मामा को बोलना और डाल देंगे रायता। टाटा मैं जाऊँ? आलू कोल्ड ड्रिंक ना गिरे बेटा। टाटा मछली बाजार में जा रही हूँ मैं नाजरीन। भाई तो मेरी बहन को दिखाने के लिए बनाती हूँ मैं, क्या करूँ।
सो बस यहाँ पर मैं अपनी मामी से यही बोल रही थी कि मुझे अपनी बहन को दिखानी होती है, तो इसलिए मुझे व्लॉगिंग करनी ज़रूरी है भाई। तो थोड़ा थोड़ा मैंने वॉइस ओवर किया, बाकी सब मैंने इसमें आवाज़ जो है रहने दी है। सो यहाँ पर हो रहा है फोटो सेशन। सो फाइनली अब लग गया है लेडीज़ का खाना, और मैं दिखा रही थी आपको, ये हैं बिहारी बोटियाँ और गोला कबाब जो होते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मेन्यू होता है, कभी कभार पुलाव होता है और चेंज होता रहता है हर साल, लेकिन ये खाने से ना बकरीद की ट्रू फील आ रही थी, क्योंकि अभी तक तिक्का बोटी हमने खाई नहीं थी, ईद पर दो दिन हो गए थे। सो बड़ा ही कोई मज़ेदार सा था, और स्पाइसी भी था, और एक डिश नॉर्मल थी, मतलब बहुत अच्छा रहा। और कोल्ड ड्रिंक तो जो है आपको खुले हाथ से मिलेगी, माशाल्लाह से डबल ट्रिपल सबने पी हैं। और इसके अलावा मीठा मीठा भी बहुत अच्छा था, शायद मैंने दिखाया है या नहीं दिखाया है, लेकिन वो कुछ यूनिक सी चीज़ थी। हलवा था और उसमें नीचे सूजी का पूरी लेयर थी, और ऊपर जो है पूरी खोए की लेयर थी और मेवों की, और बहुत ही कोई ज़बरदस्त सा था। सो बस थोड़ी देर हम लोग यहाँ बैठे, बातें बातें की, और अम्मी चली गई थी, लेकिन मैं काफ़ी देर बैठी, मेरे हस्बैंड और हम कुछ बातें कर रहे थे मामी से। सो बहुत मज़ा आया, और बिल्कुल एंड में हम निकले थे, और उसके बाद हम घर आ गए, और रास्ते में बड़ा ही कोई पानी था, और बड़ी मुश्किल से पहुँचे, और बच्चे तो आ गए थे मेरे मामा की गाड़ी में, और बस यहाँ बैठे हैं, बातें बातें हो रही हैं। तो मैं अपने हस्बैंड से भी बात करती जा रही थी कि बोर ना हो। सो बस चलें, सब एक एक करके जा रहे हैं और अब हम भी निकलते हैं। सो कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा, थोड़ा सा व्लॉग अभी रहता है। सो बस अब मैं घर जाऊंगी, उसके बाद देखें क्या करते हैं आगे व्लॉग में। इंशाल्लाह हमें मेहंदी में जाना है एक मेरी कज़न की, सो वो भी आपसे दिखाएंगे। और अभी यहाँ पर जो है ना पिकनिक की बातें हो रही हैं, गपशप हो रही है कि पिकनिक करनी है क्या है, लेकिन पिकनिक जो है ना अभी देखें बातों बातों में यहीं पर जो है झाग बैठ जाएगा। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, इंशाल्लाह जो भी होगा आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह करे कि कोई पिकनिक बन जाए। तो मेरे हस्बैंड ने मशवरा दिया कि अगस्त के महीने में ज़रा अच्छा मौसम होगा, अबर भी होगा, सो उसमें बनाना चाहिए प्रोग्राम। तो बस यही डिस्कशन चल रही थी, और करते करते सब चले गए, अब देखें आगे फाइनल क्या होता है। सो चले, मेरे हस्बैंड आ गए हैं मामा से मिलके, मैं भी आ चुकी हूँ, और सबसे लास्ट में हम गए थे, पूरा घर खाली हो चुका था। सो जाते जाते जो है मेरी कज़न भागती हुई आई कि मुझे यहाँ पर चिप कली दिखी है, तो फिर वो मेरे हस्बैंड तलाश कर रहे थे कि देखते हैं कहाँ है, लेकिन मामी डर रही थी कि कहीं गिर विर ना जाए। सो बस यहाँ पर थोड़ा सा हंसी मजाक हुआ, फिर हम आ गए थे। सो चलते हैं घर की तरफ, गिर गिरा ना जाए, छोड़ो ना, चली जाएगी। फिर बाहर निकलते हैं और आज का व्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं, और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह देखिए मेहंदी में हमारा जाना हुआ तो मेहंदी का व्लॉग आपसे शेयर करेंगे, वेडिंग व्लॉग तो वैसे ही सबके फेवरेट होते हैं। सो चले फिर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब कीजिएगा। वेट वेट, एक चीज़ तो रही गई, एक मिनट। पैर में दर्द हो गया, घूम घूम के शरारा दिखा दिखा के थक गई।